स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सर। आप लोगों ने व्हाइट स्टॉक और ब्राउन स्टॉक तो सभी को क्लियर है? यस सर। वी हैव एक्सप्लेन व्हाइट स्टॉक एंड ब्राउन स्टॉक। यस्टरडे वी मेड व्हाइट एंड ब्राउन स्टॉक, राइट? नाउ टुडे वी गोना टू मेक कंसोमे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज कंसोमे? ओके, सो कैन यू, एनीवन ऑफ यू कैन डिफाइन कंसोमे? ओके, लेट मी डिफाइन इट। कंसोमे, the word consume comes from consummate, which means brings to completion or perfection, right? Consume is nothing, it's a crystal clear clarified soup. If I'm saying clarified, it means we are doing clarification with egg white. We can do clarification with egg shell also, but egg white is far better, means you will get more clarification than egg shells, right? Okay, now let me explain you what are the different ingredients we are looking for consomme. This is chopped celery, this is chopped shallots, this is egg white, we have already removed egg yolk, chopped tomatoes, ये आपका brown stock है जो कि हमने use किया है, use करेंगे जो कल बनाया था हमने, और ये आपका कैरेट है, दैट इज बुरनुआ ऑफ कैरेट। यू शुड नो व्हाट इज द बुरनुआ। बुरनुआ इज अ कट ऑफ वेजिटेबल एंड दिस इज मिंस मटन। ओके, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। एज वी आर गोइंग टू मेक कंसोमे जूलियन, सो वी हैव ऑलरेडी कट द जूलियंस हियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन मेकिंग कंसोमे वी ऑलवेज स्टार्ट इट विथ कोल्ड स्टॉक, राइट? स्टॉक we start always with the cold water, but here we are making consomme as we are having already brown beef stock. Okay, so consomme bhi kisse banega? Cold consomme se. Aisa nahi ki aapne hot consomme mein add kar diya. Ye aap jo upar dekh rahe hain, this is fat, kyunki ye kal fridge mein rakha hua tha aur subah nikala hai to us pe fat jama ho jata hai, kyunki kafi had tak main remove kar chuka hu, lekin thode thode droplet hai jo ki garam hone ke baad theek ho jayega. फर्स्ट, सबसे पहले हम मिक्स करेंगे। ये जो कीमा है आपका, इसको हमने पैन में डाल दिया, राइट? देन आई एम गोइंग टू ऐड शैलट्स, सेलेरी, हाफ ऑफ द ब्रुनुआ ऑफ कैरेट, tomatoes, right? Yes. Now इसको अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, mix करेंगे, right? अभी इसमें जो most important, जो main ingredient है वो क्या है? Egg white. Because egg white is used for binding, clarification, not binding. This is for clarification. So I am adding egg white. Okay. Yes, sir. को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम, ठीक है? बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच हेल्प इन क्लैरिफिकेशन ऑफ कंसोमे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका कंसोमे बैटर तभी होगा जब आपका स्टॉक अच्छा है। अब नाउ आई एम गोना टू ऐड दिस ब्राउन बीफ स्टॉक। अगर आपको लग रहा है मिक्स नहीं हो रहा है, सो यू कैन यूज इवन वायर विस्क ऑल्सो टू मिक्स इट नाइसली। इसको बहुत अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे, क्योंकि एक बार जब इसको हम हीट पर रख देंगे, उसके बाद में हम इसमें इसको स्टर नहीं करते हैं। You know why egg white is used for clarification? Because egg white is having the protein, which is albumin, right? Which helps in clarification. ये देखिए, आप देख रहे हैं सारा मिक्स हो गया है। Now I'm gonna do, इसको हम ऑन करेंगे, फ्लेम को हल्के से ऑन कर देंगे। फ्लेम बहुत स्लो होगी, राइट? We're gonna do simmer it.
इसको हम स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, राइट। कुछ समय बाद आप देखेंगे धीरे धीरे कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो एग वाइट है, एग वाइट का फंक्शन क्या होगा, स्टार्ट एक्युमुलेटिंग ऑल द इम्प्योरिटीज टुगेदर एंड इट विल कम ऑन द टॉप, और जो टॉप पर जो एक लेयर जमा होगी दैट इज कॉल्ड राफ्ट, RAFT, राइट। राफ्ट इज वॉट, इट्स इम्प्योरिटीज जो कि आपके ऊपर आ जाएंगी, फिर स्लोली स्लोली वी विल स्ट्रेन इट और विल टेक आउट द योर कंज्यूम इट, ओके। सो वी विल लीव इट फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, लेकिन इन बिटवीन यू हैव टू चेक, ओके। फ्लेम आपको बढ़ानी नहीं है, स्लो फ्लेम रखनी है। आप देखोगे उसके बाद ये जम जाएगा और बीच में से हल्का हल्का सा आपको यू कैन सी द कंज्यूम इट, राइट। कोई स्टर नहीं करना है, आप ऑलरेडी स्टर कर चुके हैं, ओके। लेकिन ध्यान रखना थोड़ी देर बाद हम एक बार और आके इसको चेक करेंगे, क्योंकि एग व्हाइट कैन बी नीचे जम सकता है, क्योंकि एग व्हाइट इज व्हाट, से प्रोटीन सबसे पहले कॉगुलेट वही होगा और वो नीचे जम सकता है, इसलिए बीच में आकर हम एक दो बार इसको चेक करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो विल वेट फॉर 30 मिनट्स, सी यू। सो यू कैन सी इट्स इन द प्रोसेस, राइट। यस सर। स्लोली स्लोली द राफ्ट इज कमिंग ऑन द टॉप। All impurities are coming, right? So we are waiting to wait until unless we see the clarified or crystal clear stock or chrysome. So we can guys, you can see the raft is coming. Please come here and can see. Okay, now let me tell you, let me show you actually. See, you can see this is called consume, right? It's getting more clear, crystal clear. Now let me explain you what is consume. I have explained you already, but consume is a French classical soup. Okay, consume ka jo naam padta hai wo uski garnish se padta hai. Whatever the garnish we are putting in the consume, the name. The consommé get its name. For example, today we are going to make julienne of carrot. So we are making consommé julienne. Now, if we are having the bournois of carrot also, right? If we want to make consommé bournois, so we can add this bournois of carrot into the soup. So it will become consommé bournois, right? Now you can see the raft. Now the raft is clear to everyone. This is raft. और इसके अलावा मैं आपको सिर्फ लैडल से दिखा रहा हूं, ये देखिए, राइट। दिस इज कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर एंड आई गोना टू ऐड दिस स्लोली स्लोली आपको ये इवन वी कैन यूज मसलिन क्लॉथ ओके यस सर नाउ going to add this here. Okay, slowly, slowly. You have to be very careful in doing this because we want completely crystal clear. I think this is more than enough. Okay, now I can add this to. So, this is consommé julienne. If we want to add this also, so it become consommé bournois. They are different kind of consommé. We have consommé Dubaire, consommé Royale, consommé Florentine. This is the best way. Without breaking raft, right? So now the consommé is having all flavor into it. Okay.
to remove the fat also. We have to be careful. Okay, this is fine. Now, this is consommé. In the same way, we can make different kind of consommé. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. We'll see in another session. Thank you. Thank you, sir.